हेलो एवरीवन। सो आज का टॉपिक है एप्लीकेशन टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज़ करते हैं अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो अभी तक हमने चार मेथड देखे थे डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के। सपोज कोई भी इक्वेशन, सपोज इस इक्वेशन को हम यहाँ लिखते हैं, तो देखिए क्या है ये इक्वेशन। दिस इज डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री डी वाई ओवर डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी। क्लियर। तो हमें वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इस इक्वेशन को किसी भी तरीके से सॉल्व करना है। ओके, तो अब हमने सेपरेबल मेथड पढ़ा, एग्जैक्ट इक्वेशन मेथड पढ़ा, होमोजेनियस सॉल्यूशन पढ़ा, तो लेकिन जनरली होता क्या है कि ऐसी इक्वेशंस जहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म्स हैं। क्लियर। तो यहाँ पे, और आप ये कह सकते हैं कि इस तरह की इक्वेशंस को हम लाप्लास की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें दो कंडीशंस गिवन है। देखिए वाई जीरो इक्वल टू कितना, माइनस वन, और वाई को अगर हम एक बार डिफरेंशिएट कर दें और जीरो की वैल्यू पुट करें तो आंसर हमें क्या गिवन है, जीरो। क्लियर। इतनी चीजें हमें गिवन है। तो देखिए हम कितना कितने सिंपल तरीके से लाप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज करके इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। देखिए क्या करना है हमें इसके लिए, सिंपल हमें इक्वेशन पढ़नी है y डबल डैश माइनस थ्री वाई डैश प्लस टू वाई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी, एंड y जीरो इक्वल टू वन, y डैश इक्वल टू y डैश जीरो इक्वल टू जीरो, इतना हमें गिवन है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। सो टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड। सो फर्स्ट स्टेप है कि हमने दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया। ओके, सो एल ऑफ y डबल डैश t माइनस थ्री लाप्लास ऑफ y डैश t प्लस टू लाप्लास ऑफ y t इक्वल टू लाप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस t। अब हमें सिंपली क्या करना है, इनके फॉर्मूले को ओपन करना है। तो अगर हम डबल डेरिवेटिव का लाप्लास लिखेंगे तो वो क्या होगा, s स्क्वायर लाप्लास ऑफ y t माइनस s y जीरो माइनस y डैश जीरो। क्लियर, ये हमने पढ़ाया अभी। दूसरा क्या है आपका, s प्री कांस्टेंट हो गया, और लाप्लास ऑफ y डैश t क्या होता है, s लाप्लास ऑफ y t माइनस y जीरो प्लस टू लाप्लास ऑफ y t, सिंपल। और e टू द पावर माइनस t का लाप्लास क्या होगा, देखिए e टू द पावर माइनस a t, a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 1, और इसका लाप्लास क्या होता है, 1 अपॉन s प्लस a, तो a इक्वल टू 1, तो इसका लाप्लास हो गया 1 अपॉन s प्लस 1। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ वैल्यूज को पुट कर देते हैं। देखिए y जीरो इक्वल टू क्या गिवन है, माइनस 1, y डैश जीरो कितना गिवन है, जीरो। ओके, सो y जीरो की वैल्यू मैंने पुट की और y डैश जीरो की वैल्यू पुट मैंने जीरो कर दी। क्लियर। तो देखिए ये क्या हो गया, s स्क्वायर लाप्लास ऑफ y t माइनस y जीरो इक्वल टू 1, सॉरी माइनस 1, तो ये माइनस 1, और ओके सो y नॉट की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, एक मिस्टेक है यहाँ पे, आप इसको सही कर लीजिए, यहाँ y नॉट इक्वल टू माइनस 1 नहीं है, प्लस 1 होगा, दिस इज प्लस 1। ओके, तो y नॉट की वैल्यू हम यहाँ पे 1 रखेंगे, प्लस 1, तो माइनस s इन टू प्लस 1 इक्वल टू माइनस s, और y डैश जीरो की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 0, देन 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा अंदर, y डैश इक्वल टू 0, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए क्या बन जाएगा, ये 3s लाप्लास ऑफ y t, y जीरो की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, प्लस 3, प्लस 2 लाप्लास ऑफ y t इक्वल टू 1 अपॉन s प्लस 1। क्लियर। अब हम इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो ये जो s है, देखिए माइनस s, इस माइनस s को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस s बन जाएगा, इस प्लस 3 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस 3। ओके, सो ये प्लस s बन गया, ये माइनस 3 हो गया, और क्या बचा अंदर, s स्क्वायर लाप्लास ऑफ y t माइनस 3s लाप्लास ऑफ y t प्लस 2 लाप्लास ऑफ y t। तो लाप्लास ऑफ y t कॉमन आ गया तीनों टर्म्स में से, और क्या बचा, s स्क्वायर माइनस 3s प्लस 2। सो s स्क्वायर माइनस 3s प्लस 2 लाप्लास ऑफ y t इक्वल टू 1 अपॉन s प्लस 1 प्लस s माइनस 3। क्लियर। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, s प्लस 1 एलसीएम में लेके 1, और s प्लस 1 और s माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या बनेगा, क्या बचेगा, s प्लस 1 इंटू s माइनस 3, दिस इज s स्क्वायर माइनस 3s
प्लस एस माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस टू एस माइनस थ्री, और ऊपर क्या है यहाँ पे प्लस वन डिवाइड बाय एस प्लस वन, तो ये कितना हो गया एस स्क्वायर माइनस टू एस माइनस टू डिवाइड बाई एस प्लस वन। तो ये देखिए एस स्क्वायर माइनस टू एस माइनस टू डिवाइड बाई एस प्लस वन इधर आ गया, और यहाँ क्या क्या बचा इसको हम ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि हमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा एस स्क्वायर माइनस थ्री एस प्लस टू को मैं क्या लिख सकता हूँ एस स्क्वायर माइनस टू एस माइनस एस प्लस टू, क्लियर। एस कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा एस माइनस टू, माइनस वन कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा एस माइनस टू, तो क्या बचा एस माइनस टू इंटू एस माइनस वन, क्लियर। तो एस माइनस वन इंटू एस माइनस टू लाप्लास ऑफ वाई टी इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस टू एस माइनस टू डिवाइड बाई एस प्लस वन, क्लियर। अब ये दोनों टर्म कहां चले जाएंगे इधर, तो ये क्या बन जाएगा लाप्लास ऑफ वाई टी, लाप्लास ऑफ वाई टी इज इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस टू एस माइनस टू डिवाइड बाय एस प्लस वन, ये लिखा हुआ है एस माइनस वन एंड एस माइनस टू। अब हमें इसको सॉल्व करना है सिंपल, सो अगेन पार्शियल फ्रैक्शन पे जाते हैं, इसको डिवाइड करते हैं ए अपॉन एस प्लस वन प्लस बी अपॉन एस माइनस वन प्लस सी अपॉन एस माइनस टू। ओके सो आई होप ये पॉइंट अभी तक समझ में आया होगा क्या करना है हमें, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हमने इस इक्वेशन को लिखा, देन हमने इनके फॉर्मूले यूज किए, कैसे दोनों तरफ लाप्लास लेके, तो हमने दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया और देन लाप्लास ऑफ वाई डबल वाई डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई टी का फॉर्मूला यूज किया। तो ये इसका फॉर्मूला है, देखिए माइनस थ्री लाप्लास ऑफ वाई टी का फॉर्मूला ये है, लाप्लास ऑफ वाई टी ये है ई टू द पावर माइनस टी का लाप्लास वन अपॉन एस प्लस वन, क्लियर। देन हमने सिंपल मैथमेटिक्स यूज करी, मैनिपुलेट किया आगे पीछे पॉजिटिव नेगेटिव सॉल्व करके, और उसके बाद एक इक्वेशन हमारे पास जो बन के आई वो आई इस फॉर्म में। अब हमें ए बी और सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन में सीखी है। ओके सो अगेन क्या करेंगे, अब हम इन कांस्टेंट हम क्या करेंगे ए के साथ एस माइनस वन एस माइनस टू का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बी के साथ एस प्लस वन एस माइनस टू का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सी के साथ एस प्लस वन एस माइनस वन का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और उसके बाद इस कॉन्स्टेंट मतलब इस टर्म से इस इक्वेशन से उनके इन कॉफिशियंट्स को कंपेयर करेंगे, क्लियर। तो वही काम हमने यहाँ पे किया सिंपल। तो देखिए जब हमने इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद आप इसे सॉल्व कीजिएगा, इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो कांस्टेंट की वैल्यूज आई वो ए की वैल्यू आई 1 बाय 6, बी की वैल्यू आई 3 बाय 2 और सी की वैल्यू आई 2 बाय 3 माइनस 2 बाय 3। ओके सो इट इज सो दिस इज माइनस 2 बाय 3, सी की वैल्यू हमने पुट की, तो इस इक्वेशन में हम सी की वैल्यू जब माइनस टू बाई थ्री पुट करेंगे तो यहाँ पे प्लस साइन नहीं आएगा माइनस साइन आएगा, तो इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं, दिस इज माइनस एक्चुअली। ओके देन अगेन अब हमें क्या करना है इसका इनवर्स लाप्लास लेना है, क्लियर। सो वन अपॉन सिक्स इंटू वन अपॉन एस प्लस वन प्लस थ्री बाई टू इंटू वन अपॉन एस माइनस वन प्लस टू बाई थ्री इंटू वन अपॉन एस बाई टू। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे इनवर्स लाप्लास लेंगे, तो जब हम इनवर्स लाप्लास लेंगे तो ये कितना बन जाएगा वाई टी दैट इक्वल टू वन बाय सिक्स लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस प्लस वन लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस माइनस वन एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस माइनस टू, क्लियर। ओके सो अगेन अब हम ने जो फॉर्मूले पढ़े हैं हमें याद होना चाहिए कि इसको कैसे हम इनवर्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए किसका फॉर्मूला है वन अपॉन एस प्लस ए, वन अपॉन एस प्लस ए, तो अगर हम लाप्लास इनवर्स लेंगे तो क्या आएगा ई टू द पावर माइनस ए टी, और यहाँ पे ए कितना है वन, सो वन अपॉन एस प्लस वन क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस टी, तो दिस इज ई टू द पावर माइनस टी। अगेन यहाँ पे क्या है एस माइनस ए, तो लाप्लास इनवर्स क्या होगा इसका ई टू द पावर प्लस ए टी, और ए कितना है वन, सो ई टू द पावर टी। अगेन यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है टू एस माइनस ए, तो लाप्लास इनवर्स क्या होगा ई टू द पावर ए टी, ए की वैल्यू कितनी है टू, तो टू टी। सो आंसर क्या है वन अपॉन सिक्स ई टू द पावर माइनस टी प्लस थ्री बाई टू ई टू द पावर टी
प्लस 2/3 e टू द पावर 2t। तो ये हमने बहुत ही सिंपल तरीके से एक डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो दिस इज बेसिकली द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द लाप्लास। ओके, सो ये आपका लास्ट टॉपिक था यूनिट 5 का, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बाद एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द लाप्लास। सो आई होप आपको रिमीडियल मैथमेटिक्स के ये लेक्चर्स समझ में आए होंगे। आई हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस इन 30 लेक्चर्स जो पीसीआई में प्रिस्क्राइब्ड हैं। आप सारे लेक्चर्स अच्छी तरीके से पढ़िए, कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है आपको, कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसे डिस्कस करेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ओके, रिमीडियल मैथमेटिक्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था जब हमने ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, कि हमें कई जगह पर केमिस्ट्री में जब हम केमिकल इक्वेशंस लिख रहे होंगे या रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, पार्शियल फ्रैक्शन, लिमिट्स, देन डिफरेंशियल इक्वेशन, इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो हमें इन सब के बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि इनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे इनको इक्वेशंस में यूज़ किया जाता है, कैसे सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए जाते हैं, तभी हम अपने फार्मेसी को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ओके, सो सारे ही लेक्चर्स देखने के लिए अ लॉट ऑफ थैंक्स। अगर आपने इस लेक्चर सीरीज के सारे लेक्चर्स देखे हैं तो बहुत अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक दे सकते हैं कि आपको ये लेक्चर सीरीज कैसी लगी। तो 30 लेक्चर्स की ये रिमीडियल मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज आज हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल द लेक्चर्स ऑफ रिमीडियल मैथमेटिक्स ऑफ फार्मेसी। थैंक यू।